दोस्तों T20 वर्ल्ड कप की समाप्ति के बाद अब फाइनली भारतीय टीम यहां पर ट्रॉफी के साथ अब भारत आ चुकी है फाइनली यहां पर। अब बारबाडोस के तूफान में फंसने के बाद अब यहां पर भारतीय टीम यहां पर बारबाडोस से भारत आ चुकी है, जहां पर पिछले 3 दिनों से यहां पर भारतीय टीम बारबाडोस के यहां पर हेरिकेन्स नाम के तूफान में यहां पर फंसी हुई थी। वहां का एयरपोर्ट भी बंद हो गया था, लेकिन BCCI ने यहां पर टीम इंडिया के लिए यहां पर चार्टर्ड प्लेन अरेंज करी थी, और चार्टर्ड प्लेन से अब डायरेक्टली यहां पर बारबाडोस से न्यू दिल्ली की यहां पर अब 18 की यहाँ पर फ्लाइट टीम इंडिया की रहेगी। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हो, जहाँ पर बारबाडोस से इस प्रकार से यहाँ पर वर्ल्ड कप विनिंग टीम को यहाँ पर विदाई दी गई। इस प्रकार से यहाँ पर सेलिब्रेट करके वहाँ के लोगों ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सभी प्लेयर्स को वहाँ से विदाई दी। और 18 घंटे की ओवरऑल फ्लाइट है। शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक प्लेयर्स भारत भी आ गए, या फिर कुछ ही घंटों में अब भारत आने वाले। तो कल वहाँ से यहाँ पर फेयरवेल मिल चुका है, अब कुछ ही घंटों में अब सारे प्लेयर्स भारत आ जाएंगे। अभी सबसे पहले नरेंद्र मोदी से मीटिंग होगी, फिर दिल्ली में रोड शो होगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमें यहाँ पर ट्रॉफी की सेरेमनी देखने को मिलेगी। सब कुछ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीकास्ट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको सारी परेड, सब कुछ, रोड शो, इसके साथ ही ट्रॉफी सेरेमनी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और आप कमेंट करके बताइए आप रोड शो के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं।